हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। दुबई के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फरारी वर्ल्ड जिस दिन हम गए थे, उस दिन हम शाम को आते वक्त गए थे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में। दुनिया की सबसे सुंदर मॉस्क बोला जाता है इसे, और ये आप भी मानोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सामने की तरफ आपको जो वाइट कलर की इमारत दिख रही है ना, वो है मॉस्क। इसकी एंट्री आपको दिखेगी अभी, एक जो अभी सर्कल सा दिखेगा आपको ब्लू कलर का, वहाँ से एंट्री हुई थी। बिल्कुल अंडरग्राउंड था, सारी एंट्री बिल्कुल अंडरग्राउंड थी। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि दुबई में हर चीज़ की एंट्री शॉपिंग सेंटर्स के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर भी हमें अंडरग्राउंड पहले पूरे शॉपिंग सेंटर के थ्रू हम लोग गए थे। वहाँ पे हमें मिली थी एक ड्रेस जिसे हमने पहना था। मॉस्क में आप नॉर्मल जो आपने कपड़े पहने हुए उसमें अलाउड नहीं होती हैं औरतें, तो औरतों को ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती हैं। ये आप देख सकते हो, लाइटिंग तो यहाँ की ज़बरदस्त थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पे शाम के टाइम आए थे। मॉर्निंग में आते तो शायद इतनी चकाचौंध, इतनी लाइटिंग हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये है वो ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है। तो यहाँ पे सभी औरतों ने यही ड्रेस पहन रखी थी। आप देखो कि किसी ने रेड कलर की पहनी है, किसी ने ब्लू कलर की पहनी है। तो ये यहाँ की स्पेशल ड्रेस है। फाउंटेन बहुत ही प्यारे चल रहे थे वहाँ पे, और म्यूज़िक के साथ चल रहे थे। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना मॉस्क, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लाइटिंग हो रही है। मतलब वहाँ बैठने के बाद तो ऐसा सुकून मिल रहा था ना कि पूछो ही मत। बट क्या करूँ, मेरी उस दिन फरारी वर्ल्ड हम लोग गए थे, मेरे फ़ोन में बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकूँ। बट खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ तो खूबसूरती तो लाजवाब थी वहाँ पर। आप देख सकते हो, मतलब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई दुबई में, इतनी धूल इतनी मिट्टी थी, बट मार्केट हो चाहे बिल्डिंग्स हो, वो इतनी साफ सुथरी रहती हैं कि पूछो मत। और ये आप देख सकते हो, हर चीज़ ऐसी लगेगी जैसे सोने से बना रखी है, बहुत ही सुंदर। और दीवारों पे भी कलाकारी आप देख सकते हो। हम लोग उस दिन बहुत थक चुके थे क्योंकि सुबह के टाइम फरारी वर्ल्ड में घूम कर आए थे, बहुत सारी राइड्स लेकर आए थे। फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा बची नहीं थी, जितनी बैटरी थी उस हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और ये वीडियो मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, यहाँ की खूबसूरती तो देखने लायक है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि यहाँ पर आएँ तो शाम के टाइम ही आएँ, क्योंकि दोपहर में ना धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो ये मार्बल का फर्श होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो शाम के टाइम जब हम लोग आए थे, स्वेटर तो हमने पहना ही हुआ था, बट मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और लाइटिंग की वजह से मॉस्क और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देख सकते हो आप, मेरी कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक करी हैं, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा बैटरी ख़त्म हो रही थी और मेरे फ़ोन में बैटरी थी नहीं, तो मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक करी हैं अपनी, अपने बच्चों की। और ये ड्रेस मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था, थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो रही थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।